अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा बुद्ध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भावना धवन, समाज सेविका अरिना मल्टीमीडिया निर्देशिका तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रीति आनंद समाज सेविका रही। मुख्य वक्ता के रूप में मीनू मेहरोत्रा रही। मुख्य अतिथि भावना धवन ने कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर साल दुनिया भर में यह दिन 8 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को समर्पित है। यह दिन न केवल महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करती हैं, बल्कि हर पुरुष भी उनका आदर सत्कार और उन्हें प्रोत्साहित करता है, ताकि समाज में भेदभाव ना हो। रिपोर्ट अजय सक्सेना। और इधर हॉल में बैठे हुए सभी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी से थोड़ी सी अटेंशन चाहूंगी, थोड़ी देर के लिए चाहूंगी कि कुछ रो में बैठे हुए विद्यार्थी अपने फोन पर से निगाहें हटा लें, क्योंकि आज की जनरेशन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमने ये समझना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा, अखिल भारतीय छात्र छात्राओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय अरिना मल्टीमीडिया की भावना धवन जी हैं, निर्देशिका हैं वहाँ, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है जो बहुत बड़ी चित्रकार हैं, विशेष प्रीति आनंद जी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो परम उद्देश्य है वो यही है कि अपने महिलाओं को ये संदेश देना कि वो अपने आप से किसी से कम ना समझें, किसी से तुलना ना करें, जैसा भी उन्हें ऊपर वाले ने बनाया है, अपनी उन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको विकसित करने का प्रयास करें और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें, क्योंकि अभी समाज में दूसरा पक्ष ये भी देखा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग भी करती हैं। तो किसी से तुलना ना करें, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का प्रयास करें। ये हमारा आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।